हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर चैप्टर नंबर थर्ड, स्टे सेफ। ऑल राइट, सो आई थिंक ऑल ऑफ देम एंड वी शुड टेक अ प्रिकॉशन फॉर सेफ्टी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई टेल यू समथिंग अबाउट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में अकर एनी वेयर एंड एनी टाइम। समटाइम्स द विक्टिम मे नॉट गेट द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड राइट आफ्टर द एक्सीडेंट। In such instances, waiting for a doctor or an ambulance may worsen the condition of the victim. Means accident किसी का कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, पर अगर हमें सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो एक्सीडेंट आगे चल के बहुत सीरियस हो जाता है। और अगर हमें सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हमें बहुत ही वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, सो इन दिस चैप्टर we will learn about first aid and first aid tips for some accident and injuries. So I am going to explain what is a first aid. First aid is the immediate medical help given to an injured person before taking him or her to the doctor. Means first aid एक ऐसा immediate medical help होता है जो किसी भी injured person को doctor के यहाँ ले जाने से पहले हम देते हैं। अब वो चाहे घर में दें या चाहे सपोज किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, कोई अगर बर्न हो गया है और अगर उसे हम देख रहे हैं और उसे ट्रीटमेंट चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाने में अभी टाइम है, तो जो ट्रीटमेंट उसे हम देते हैं डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले, अब वो कहलाता है फर्स्ट एड। ऑलराइट, सो हियर आर आर सम फर्स्ट एड टिप्स एंड सम एक्सीडेंट्स, यू कैन सी दिस। So I am going to explain one by one. First one is the animal bites. What is animal bites? When animal bite to any person, means कोई भी जानवर, mostly cat, dog, bat, wolves, और कोई भी mostly कोई भी जानवर जब किसी को bite करता है, this is called a animal bites. Animal bites need urgent medical attention. In addition to wound infection, there is a risk of serious disease such as rabies. You know all about rabies. Rabies is caused by the cut or bite by the dog. So, अगर किसी को भी कोई भी animal अगर bite करता है, उस condition में हमें क्या precaution लेना चाहिए? वो हम उसके बारे में study करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रब द वाउंड विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कवर विद अ ड्राई क्लीन क्लोथ्स और ड्रेसिंग, कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएट। सबसे पहले जिस भी जगह कोई एनिमल अगर किसी को बाइट करता है तो उस पर्सन को उस वाउंड प्लेस पे सोप और वाटर की हेल्प से उस प्लेस को स्क्रब करना चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट्स तक। एंड आफ्टर दैट कवर उस प्लेस को कवर करना चाहिए किसी भी ड्राई क्लीन क्लोथ्स या फिर ड्रेसिंग कर दीजिए उस जगह पे, और उसके बाद फौरन आप उस पर्सन को डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए ताकि डिजीज और आगे ज़्यादा बढ़े ना और उसको और उस पर्सन को और आगे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो ना। ऑलराइट, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेवर ब्लीडिंग। सेवर ब्लीडिंग मीन्स लाइक किसी का अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कहीं अगर चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है और आउट ऑफ सडन उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर फेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना चाहिए कि हमें उसके ब्लड को उसके ब्लड फ्लो को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, मीन्स उसके ब्लीडिंग को तुरंत रोकना चाहिए। उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या स्टेप करना लेना चाहिए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वाउंड टू होल्ड द ब्लीडिंग एंड नीड द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। सबसे पहले जहाँ भी उस बंदे को कट लगी है, उस पर्सन को या चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उस प्लेस को हमें प्रेशर दे के हाथ से दबा देना चाहिए ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, और उसके बाद उस एरिया को हमें किसी भी ड्राई क्लीन क्लॉथ से कवर कर देना चाहिए या ड्रेसिंग कर देना चाहिए एंड मीट द डॉक्टर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। उसके बाद डॉक्टर के पास हमको उसको इमीडिएटली लेके जाना चाहिए आगे की ट्रीटमेंट के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द आई इरिटेशन। आई इरिटेशन मीन्स कि जैसे आप लोग ये जानते ही हैं कि कभी कभार हमारे आँखों में कुछ
स्मॉल पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिस वजह से हमें हमें आई इरिटेशन होने लगती है, लाइक टीचिंग होने लगेगी, आँखों में स्वेलिंग आ जाएगी, इस टाइप से. तो दिस इज कॉल्ड अ आई इरिटेशन. अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जेंटली स्प्लैश वाटर विथ योर हैंड एंड ट्राई टू रिमूव द फॉरेन मटीरियल एंड गेट मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने हाथों में पानी लेके अपने आँखों के अंदर पानी को डालना चाहिए, आँखों में पानी के छींटे देने चाहिए, ताकि वो जो भी स्मॉल पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारी आँखों को आँखों में से निकल जाए. एंड स्टूडेंट्स, डोंट रब योर आईज विथ योर हैंड्स. हमें आँखों को कभी भी अपने रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम और ज़्यादा फिर बढ़ सकती है. और उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि आगे का ट्रीटमेंट क्या हो. सो चिल्ड्रन, दिस इज योर टूडेज टॉपिक. एंड आफ्टर द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, थैंक यू.